हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में उसकी में ड्रीम इलेवन की टीम प्रोबी इलेवन आपके लिए लेकर आ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए मैं रोजाना वीडियो लाता रहूंगा ड्रीम इलेवन के रिलेटेड। तो यहाँ से हम बात कर ले सबसे पहले टीम न्यूज की। तो हैदराबाद में एक मैच जीत लिया है, एक मैच खेलकर राजस्थान रॉयल्स से हुआ था, इन्होंने मैच जीत लिया था, 9 विकेट से मैच जीत लिया था। और दूसरी तरफ मुंबई का हुआ था, फर्स्ट मैच हुआ था चेन्नई के साथ, इन्होंने मतलब के करारी मतलब के 1 विकेट से इन्होंने मैच हारा है। तो यहाँ से बात करते हैं मतलब के मुंबई इंडियंस की टीम चाहे कि एक या दो चेंजेस करना अपनी टीम में, पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बहुत बढ़िया मतलब के कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया टीम का तो जीती है, तो मेरे हिसाब से कोई भी चेंज करना नहीं चाहेगी। तो फिर भी आपको मैं पॉसिबिलिटी बता दूंगा क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो टीम न्यूज़ की बात कर ले, सबसे पहले हैदराबाद ने लास्ट मैच आपको पता जीता है तो पूरे कॉन्फिडेंस में होगी। तो डेविड वार्नर तो है नहीं, आप उसको मतलब के ड्रीम इलेवन पर भी शो नहीं है, इससे पूरे आईपीएल से बाहर है। और मुंबई की तरफ से ये एक चेंज हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को इंजरी हो गई थी जब वो मतलब के लास्ट ओवर फेंक रहे थे, तो उस टाइम हो गई थी और उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की, तो इसलिए उनके खेलने के कम चांस है। बट रोहित शर्मा ने कहा है कि वो इस मैच में खेल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिस्की हार्दिक पांड्या स्मॉली की टीम में, मतलब उसको लेना तो अच्छा रहेगा। और मिचेल मैकलगन की भी जगह थोड़ी सी रिस्की है, क्योंकि और बढ़िया बढ़िया प्लेयर बैन करिंग जैसे हैं उसको भी लाया जा सकता है। अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं मतलब के इंजरी के कारण नहीं खेलते, तो दो जगह बनती है, ज्यादा चांस के सौरभ तिवारी खेलेंगे और एक चांस है सिद्धेश लाड भी खेल सकता है। तो हम देखते हैं अब प्रोबी इलेवन। सबसे पहले तो पिच की बात कर ले हैं, तो पिच फ्रेंड्स हैदराबाद की पिच है, टोटल मैच उस पिच पर हुए 50 और जिन्होंने फर्स्ट बैटिंग की है और उन्होंने 19 मैच जीती है, और जिन्होंने पहले बॉलिंग की है उन्होंने 30 मैच जीती है। तो एवरेज का फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है 155 का, और सेकंड इनिंग्स का एवरेज का स्कोर है 140 का। हाईएस्ट इस पिच पर बना 223 का और लोएस्ट इस पिच पर बना 80 का। पिच तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि न्यूट्रल है, बट ज्यादा स्कोर करती है यहाँ से हैदराबाद की पिच फर्स्ट गेंदबाजों को। तो आप अपनी टीम में फर्स्ट गेंदबाजी अच्छे अच्छे लेंगे तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स बात करते हैं प्रोबी इलेवन की, तो मेरे हिसाब से ये प्रोबी इलेवन रहने वाली है मुंबई की, जिसमें रोहित शर्मा और एवियन लुईस दोनों ओपनिंग करेंगे। कैप्टनसी करते हैं रोहित शर्मा, फर्स्ट आएंगे ईशान किशन जो कि विडी भी करते हैं, फिर सूर्य कुमार यादव आएंगे बहुत बढ़िया जंग प्लेयर हैं, और फिर हार्दिक पांड्या अगर फिट नहीं होते हैं टाइम पर तो लड और सौरभ तिवारी में कोई एक खेलेगा, और कृणाल पांड्या ये भी बढ़िया है, ग्रैनी के लिए ऑप्शन हो सकती है, अच्छे प्लेयर हैं, बहुत सारे लोगों ने इन्हें कम बनाया होगा लोगों ने, तो आप इसको ग्रैनी के लिए बना सकते हैं। केरन प्लाट या सिमंक मरकंडे मिचेल मैकलगन की जगह बैंड कटिंग को लाया जा सकता है, ये एक चेंज हो सकता है, बट लास्ट चांस है मिचेल रहमान मिस्ताफिज रहमान और जसप्रीत बुमराह, ये मेरे हिसाब से प्रोबी रहने वाली है यहाँ से मुंबई इंडियंस की। तो यहाँ से बात कर ले हम अशेष प्लेयर्स की, तो उसमें नाम आता है रोहित शर्मा का और एवन लुईस का, ईशान किशन और यहाँ से कृणाल पांड्या, केरन प्लाट, मरकंडे, मुस्तफिज रहमान और जसप्रीत बुमराह, तो ये सभी अच्छे हैं, ये भी ठीक है। तो बात करते हैं हम कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, सबसे बढ़िया ऑप्शन रोहित शर्मा की, इसको बना सकते हो, और यहाँ से एवन लुईस को बना सकते हो, ईशान किशन को ट्राई कर सकते हो। तो और यहाँ से आप मैंने कहा है कि गेंदबाजी फर्स्ट को सपोर्ट करेगी, तो आप बना सकते हो जसप्रीत बुमराह को बना सकते हो, और भी ऑप्शन है रहमान को बना सकते हो और कृणाल को ट्राई कर सकते हो, मयंक की भी ऐसी ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने जो फर्स्ट मैच हुआ था इन्होंने 3 विकेट लिया था, बहुत अहम होता है 3 विकेट का। तो यहाँ से ये तो बात होगी मुंबई इंडियंस की प्रोबी इलेवन की। तो बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्रोबी इलेवन की, पिछले मैच में वर्तमान साहा ने ओपनिंग की थी शिखर धवन के साथ, मेरे हिसाब से फिर आएंगे, तो बहुत बढ़िया तरीके से सनराइजर हैदराबाद ने मैच जीत लिया था, यहाँ से शिखर धवन और केन विलियमसन ने जिता दिया था मैच। फिर फर्स्ट आएंगे केन विलियमसन जो कि कैप्टनसी कर रहे हैं हैदराबाद की तरफ से, मनीष पांडे आएंगे, फिर दीप हुड्डा, यूसुफ पठान, शकीब अल हसन बहुत बढ़िया ऑलराउंडर हैं, और यहाँ से रशीद खान, भुवनेश्वर कुमार और फ्रेंड्स बिली स्टैंकले की जगह जो दो प्लेयर बैठे हुए बेंच पर अलेक्सेस और यहाँ से कार्लस ब्रैडफोर्ड, ये दो बहुत बढ़िया प्लेयर इसको लाया जा सकता है बिली स्टैंकले की जगह, बट लास्ट चांस है विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेगी टीम और सिद्धार्थ कौर, तो ये मेरे हिसाब से प्रोबी रहने वाली है हैदराबाद की। तो यहाँ से फ्रेंड्स
बात कर ले हम सेफ सेफ ऑप्शन की, उसमें ना बाता है वृत्तिमान साहा का, होशी करता मन का मन, यहाँ से केन विलियमसन, मनीष पांडे और शकीब अल हसन, रशीद खान, भुवनेश्वर, सिद्धार्थ कौल, और ये भी एक अच्छे प्लेयर, लगभग सभी अच्छे प्लेयर हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है यहाँ से शिखर धवन की, जो बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, और आप केन विलियमसन को बना सकते हो। शकीब की बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और बॉलर में आप भुवनेश्वर और रशीद खान को बना सकते हो, और यहाँ से वृत्तिमान साहा को भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ से फ्रेंड्स फर्स्ट गेंदबाजी भुवनेश्वर और कौल करेंगे दोनों, भुवनेश्वर और कौल, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन रह सकती है ये दोनों, और रशीद खान स्पिनर है तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ये भी। तो यहाँ से मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड फोर फॉरन प्लेयर तो यही हो गए, केन विलियमसन, यहाँ से शकीब अल हसन, रशीद खान और विली स्नकलर, एक्सेल्स और कार्ल अल्कासगर में कोई एक खेलेगा। तो बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की, जो मैंने आपके लिए बनाई हुई है, एक टीम बनाई हुई है मैंने आपके लिए। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो वीडियो प्रशासन की बात करते हैं, तो आपको दिख रही है यहाँ से चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में से खेलेंगी ओनली टू, ईशान किशन और वृत्तिमान साहा। तो दोनों ही बढ़िया ऑप्शन है, आप जिसके साथ जाना चाहें जा सकते हैं। मैं यहाँ से फॉर्म को देखकर ईशान किशन को ले रहा हूँ, वृत्तिमान साहा को भी आप ले सकते हैं, जो कि ओपनिंग भी कर सकते हैं और मिडल ओवर में भी आ सकते हैं, बट ज़्यादा चांस के ये ओपनिंग करेंगे। अगर अलग से एल्स खेलते हैं तो ये मिड ओवर में आएंगे, क्योंकि अलग से एल्स ओपनर है बढ़िया। तो ये तो बात होगी विकेट कीपर सेक्शन की, बात करते हैं हम बैट्समैन सेक्शन की। यहाँ से मैंने रोहित शर्मा को लिया हुआ है, जो कि ओपनिंग करेंगे और कैप्टनसी करते हैं, और शिखर धवन को लिया हुआ, ये भी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करते हैं, बहुत बढ़िया, मिस मत करना उसको अपनी टीम में। और केन विलियमसन को लिया हुआ है, और मैंने एवन ल्यूस को लिया हुआ है। तो ये मैं चार बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ, इन चारों बैट्समैन के अलावा अगर आप लेना चाहते हो तो केरन प्लाट की अच्छी ऑप्शन हो सकती है, इसको ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से आप ले सकते हो मनीष पांडे को ले सकते हो, अलग से अगर खेलते हैं टीम मैनेज पर बढ़िया, अगर खिलाती है तो खेल सकते हैं। तो सूर्य कुमार यादव को ले सकते हो, और लड भी खेल सकते हैं, सोलह तो आर्मी में एक खेलेगा कोई, तो और कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। बात करते हैं हम ऑलराउंडर सेक्शन की, यहाँ से हार्दिक पांड्या को तो इंजरी हुई है, तो अगर फिट होते तो खेलेंगे, अदरवाइज नहीं खेलेंगे। कृणाल पांड्या को लिया मैंने, और यहाँ से शकीब अल हसन का, शकीब अल हसन को लिया हुआ, तो ये दो ऑलराउंडर मेरे हिसाब से बढ़िया रहेंगे, और कोई सेफ ऑप्शन भी नहीं है, बाकी सब रिस्की हैं। बात करते हैं हम बॉलर सेक्शन की, यहाँ से मैंने भुवनेश्वर कुमार को लिया हुआ है, मुस्तफिजुर रहमान को लिया हुआ है, और मैंने सिद्धार्थ कौल को लिया हुआ है, और मैंने यहाँ से मयंक मारकंडे को लिया हुआ है। तो ये मैं चार बॉलर के साथ जा रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया मुझे ऑप्शन यहाँ से मिस करनी पड़ी, क्योंकि हमने चार टॉपर के बढ़िया बढ़िया प्लेयर ले लें हैं, बैट्समैन ले लें हैं, तो बॉलर पर मैंने मुझे जसप्रीत बुमराह और रशीद खान मिस करने वाला। तो आप ऐसा कर सकते हैं भुवनेश्वर को हटाकर, तो आप इन दोनों को हटाकर और यहाँ से इन दोनों को भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो इनके अलावा ये ऑप्शन है आपके पास, और मिचेल मैकलगन खेल सकते हैं फिर से, ज़्यादा चांस यही है खेलेंगे। तो ये तो बात होगी बॉलर सेक्शन की, बात करते हैं हम कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। कैप्टन में रखा है शिखर धवन को, वाइस कैप्टन रखा है रोहित शर्मा को। इनके अलावा और ऑप्शन की बात करें तो केन विलियमसन को स्मॉली के लिए बना सकते हो, शकीब को बना सकते हो, यहाँ से हो इवन इवन को बना सकते हैं, ईशान किशन को ट्राई कर सकते हो, भुवनेश्वर कुमार को भी बना सकते हो, गनाली के लिए कृणाल को साथ भी जा सकते हो। तो बस वीडियो इतना ही, और सॉरी सेकंड टीम देख लेते हैं हम। सेकंड टीम में फ्रेंड्स मैंने यहाँ से वृत्तिमान साहा को ले लिया है ईशान किशन की जगह, और मैंने वही ये भी वही है, ये भी वही है, और मैंने शिखर धवन को हटाया क्रेडिट के प्रॉब्लम कारण, सूर्य कुमार यादव को लिया, और यहाँ से मैंने मनीष पांडे को लिया है। तो यहाँ से ऑलराउंडर दोनों वही हैं, और बॉलर पर मैंने भुवनेश्वर कुमार को, यहाँ से भुवनेश्वर कुमार वही है, और यहाँ से जसप्रीत बुमराह और रशीद खान को ले लिया है। तो ये मैं चेंजेस किए हैं, तो आप ये टीम ग्रैली के लिए लगा सकते हो, ऐसा कर सकते हैं कि रशीद को कैप्टन बनाकर और वाइस कैप्टन कृणाल को बना सकते हो, ये भी एक कॉम्बिनेशन रख सकते हो, क्योंकि ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन रह सकता है, बट फिर भी ये मेरे हिसाब से दो और शिखर धवन बेस्ट रहेंगे। तो फर्स्ट गेंदबाजी को आप ज़्यादा बनाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन, तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। बस वीडियो में इतना ही, और आपको मैं बता दूं कि एक फैंटासी वेबसाइट है हलाबड़े, अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, इसमें भी आप ड्रीम इलेवन की तरह विन कर सकते हैं। और हमारा ऐप भी है फैंटासी न्यूज़ एंड टीम, अगर आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो आप इस लिंक पर, उस लिंक पर क्लिक कर कर आराम से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में भी आपको सब मैसेज का प्रेडिक्शन मिल जाता है।
तो बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक अभी कर दीजिए, मुझे उम्मीद है आपको जरूर लाइक करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना न्यूज़ जो मैंने आपको बताई है। तो बस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।